गाइस, वेलकम टू द फजी फैमिली ब्लॉग्स। और गाइस, आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज से सावन भी शुरू है और आज कबीरा का बर्थडे भी है। बच्चे पूरा पूरा तरफ से बहुत भर भर के आशीर्वाद, बहुत कुशल मंगल में रहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। और कबीरा का जन्मदिन है तो थोड़ा सा मधु में इसको ले जाएंगे, थोड़ा सा खाली से टिका हुआ करा देंगे, थोड़ा सा कुछ प्रसाद बर्थडे वाले चढ़ा दिन देंगे। मंदिर जाना तो है ही जरूरी। हाँ और अच्छे देखो, से इसकी दादी बना रही है खीर, स्पेशल खीर बन रही है वीरा के लिए, है ना? हाँ हाँ, ये बैठी हुई है, इसको कोई पता नहीं है मेरा बर्थडे है क्या है। अगले हाँ पता वर्ष शायद इसको पता लगेगा मेरा बर्थडे, मगर अभी तो नहीं। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ छोटा मोटा करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे बर्थडे, अभी छोटा सा ही कर रहे हैं क्योंकि फैमिली भी नहीं है और कोई भी नहीं है। तो चलो, दिखाएंगे आपको, जरूर है तो करेंगे। अच्छा ही लगता हाँ, वो तो है। है सब ही, बट बच्चे सबका पढ़ाई टाइमिंग तो, पढ़ाई हाँ, फिर सब एक तो चले। सब दूर है, ऊपर से सबके स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम पे, तो सबका होना मुश्किल हो रहा है। मिस कर रही है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, मम्मी पापा हम सब सारे लोग जाएंगे और पूजा होगी इसकी थोड़ी सी। और चलो, आपको दिखाते हैं हमारे साथ मंदिर चलो, और कैसे पूजा होगी दिखाते हैं आपको। मंदिर से आ गए हैं और फटाफट से आके अभी खाना बनाना है मुझे, तो मैं बना रही हूँ दीदी स्टाइल पनीर की सब्जी। आशा दीदी एक पनीर की सब्जी सिखा के गई थी, बढ़िया बहुत ही जल्दी बन गई थी, और वही बना रहे हैं हम, ताकि क्योंकि बहुत लेट हो गया है आज शास्त्र के लिए, क्योंकि मंदिर में पूजा वगैरह में थोड़ा वक्त लग गया। बाकी देखो, ये इसमें मैंने प्याज को लहसुन मिर्च के साथ एकदम अच्छे से बारीक से चॉप कर लिया है चॉपर के साथ, और उसके बाद उसको पूरा ब्राउन होने तक पका के फिर उसमें हमने डाला है टमाटर, वो भी पूरी तरीके से चॉप करके। उसमें हमने जीरा और धनिया डाल दिया है, अब इसको पकने का तक वेट करेंगे। इसमें डालेंगे मसाले जल्दी से और इसको वेट करेंगे, फिर हमने डाल देंगे पनीर। ये देखो भाई, इस कलर आ गया है इसमें। मैंने मसाले में डाले हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा मैगी मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस यही डाले हैं, और थोड़ा सा पनीर मसाला डाल दिया है। काफ़ी कलर चांदा रहा है, पनीर चॉप हो गया है, और अभी पहले इसको थोड़ा सा मसाला आने देंगे। सो जब इस पे तेल आ गया तो इसमें हमने डाला है 2 चम्मच दही और थोड़ा सा बटर, ताकि इसका जो रिचनेस है ना फ्लेवर का वो आ जाए उसके लिए। गाइस, आज बनी है पनीर की सब्जी। किस खुशी में? आज इसका बर्थडे है, इसकी खुशी में। ऑल्दो ये नहीं खा सकती। शाम को पार्टी है तो शायद यहाँ पर केक खाएं, बट हम तो ये खा रहे हैं। बहुत सही बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। ये दीदी वाली रेसिपी है, बिल्कुल लग रहा है कि वाह। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी आज, बहुत ज़्यादा हमें लग रहा था कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल ना करना पड़े सारी बुकिंग्स के बाद, बट फॉर्चुनेटली बारिश बंद हो गई है। तो अभी हम बस रेडी होने जा रहे हैं, हम निकलने वाले हैं। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम निकल जाएंगे आधे घंटे तक में, 6 बजे तक में। सो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो गाइस, मैं तो रेडी हूँ और ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे, और अभी हम जाके आपको मिलते हैं, दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है पूरा आउटफिट, गुड्डू का आउटफिट कैसा है वो भी दिखाते हैं। चलो मैं, हाँ हेलो बच्चों, आज हमारी गुड़िया रानी का बर्थडे है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, एक छोटा सा फंक्शन किए हैं उसमें जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। भाई गुड़िया रानी हमारी बड़ी सियानी हो गई है। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पूरा परिवार का बहुत बहुत बड़े आशीर्वाद, भगवान सबको खुशी मंगल अच्छा रखे, और इसे छोटा सा किए हैं और जा रहे हैं, बहुत खुश है मेरा गुड़िया रानी।
मैं कर रही है बकरी जी। गाइस इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना और बहुत सारे विशेस देना आप लोग, और हमेशा जैसे आप हमेशा सपोर्ट करते हो वैसे ही सपोर्ट करते रहना इसको भी, है ना, है ना मम्मी। और कैसा रहता है हमारा फंक्शन आपको दिखाते हैं, चलो हमारे साथ। ये हम निकल पड़े और अविरा भी बहुत एक्साइटेड है बिकॉज़ उसके लिए भी सब कुछ नया नया है, उसने नया ड्रेस पहना है, उसको लग रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। और जब भी हम गाड़ी में जाते हैं तब उसको समझ में आता है कि कहीं तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। सो आप भी हमारे साथ चलो और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो हमारे साथ, इन्जॉय करो हमारे साथ ये बहुत प्रेशियस मोमेंट्स, क्योंकि बच्चा जब थोड़ा माइलस्टोन्स अचीव करता है तो वो बहुत बड़ा मोमेंट है हम सबके लिए। पहुँच चुके हैं, चलो आपको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर सारा प्रोग्राम है। कैसा है? बहुत अच्छा। कैसा रहे होंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, अच्छा लग रहा है। कैसा? बहुत बढ़िया है और अच्छा है, डेकोरेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। आ गए हैं हम और ये देखो कितना अच्छा डेकोर उन्होंने किया है बहुत अच्छी डेकोरेशन है आपको। ये चले गए फोटो सेशन, ये देखो दादी के साथ बैठ गई है, इसकी बिंदी कहाँ गई? बिटो इसे हेलमेट पहना दू, पहन में बहुत प्यारी फोटो आई। हाँ ये एक इकलौती फोटो है अविरा के हेयर बैंड के साथ, बिकॉज उसने लगाया ही नहीं, उसने फेंक दिया उठा। सो अभी हमारे कोई गेस्ट आए नहीं थे तो इतने फोटोज और वीडियोस वगैरह हम ले रहे थे, और जेन्युइनली मुझे डेकोर बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल सोबर, बहुत ही एलिगेंट लगा। मैं एंजॉय कर रही है, ये देखो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे डेकोरेशन के लिए। यहाँ हम बना रहे हैं मम्मी पापा की क्यूट सी रील, और ये रील आप हमारी इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा गोलगप्पे सेशन। और कुछ तो ये नहीं खा सकती, तो इसको मैं खिला रही हूँ आलू और चना। बेचारी देख रही है सबको बस खाते हुए, खा रहे हैं चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल्स और गोलगप्पे। गोलगप्पे चल रहे हैं इधर भी, पापा जी ने खा लिया। बताओ भाई कैसी है? एक नंबर। इसकी भी देखो जीभ कैसे निकल रही कर रहे हैं इसके नाना नानी का, फिर आएंगे तो हम लोग केक काटेंगे, सब लोग खा रहे हैं नई पापड़ी। इसको नींद आ गई, आ गए चलो, आओ आओ देखी कुछ मम्मी पापड़ी। हेलो हेलो बिडो चलो जी, एक तो नींद भी ले ली इसने। देखिए देखिए देखो खुश हो रही है, मोहन जी की आवाज आके खुश हो गई। हमने भी खाया है गोलगप्पे, अच्छे बन रहे थे। मम्मी मीठा पानी भी अच्छा है, मीठा पानी भी अच्छा है।
फाइनली आ गया है केक काटने का टाइम और अविरा का केक बहुत सुंदर लग रहा था हमें, बिकॉज़ हमने बहुत ज़्यादा सोच सोच के ये केक बनवाया था, गेस्ट के नंबर के हिसाब से ही बनवाया था, इससे ज़्यादा हम बड़ा नहीं बनवाना चाहते थे। और ये देखो सब लोग वीडियो कॉल्स पे जुड़ गए, बिकॉज़ फैमिली दूर है, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया है, हम सब लोग वीडियो कॉल्स पे जुड़े हुए थे सबसे और पूरे सारे मोमेंट्स सबके सामने कैप्चर हुए। Happy birthday! चलो मैं चलती हूँ, मेरा काम है। कपड़ों से मैचिंग हो गया फेस पे, नीला नीला। गाइस केक बहुत टेस्टी है, ये नहीं खाते हैं लेकिन खाए हैं, दोनों खाना बहुत टेस्टी है। अब आगे है डिनर की पारी और काफ़ी सारी डिशेस थी, मतलब हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिनर में लगवाई थी, बट आधे से ज़्यादा हमारे गेस्ट आ ही नहीं पाए ड्यू टू सर्टन रीजंस, बारिश भी थी और भी उनके कुछ रीजंस आ गए पर्सनल, बट इट्स ओके, जितने लोग थे उनके साथ हमने काफ़ी इंजॉय किया। और ये देखिए फाइनली हम कर रहे हैं डिनर और सब लोग डिनर कर चुके हैं, बस हम लोग लास्ट में सुनी और विकासी वो देखो वहाँ जुगलिप इंजॉय कर रही है, उसके कपड़े हमने चेंज कर दिए। अब बच्चों यहाँ पे पार्टी वगैरह सब समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया से हुआ है, बारिश की वजह से बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे बुलाया थे, आपको मन नहीं आया, नहीं आ पाया, क्योंकि अच्छा से खाना पीने के लिए बहुत बढ़िया था, बिल्कुल नाइस था। और फैमिली मेम्बर्स होते हमारे सारे वाले तो और मैं ज़्यादा, दीदी हैं भाभी हैं सब लोगों तो और मैं ज़्यादा, बच्चे होते हैं और बहुत सब सब तो चलो भाई सब हम निकल रहे हैं घर और बस हम लोग गेस्ट भी आ चुके हैं, बस मेरे घर वाले बच्चे हैं सबको सी ऑफ करके हम भी निकल रहे आपको ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स फैमिली, तब तक के लिए जय हिंद।
एंड गाइस आप अवीरा के बर्थडे की बहुत प्यारी प्यारी रील्स हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. टिल देन सी यू अगेन गाइस. बाय बाय.